Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study Channel को. Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका 3 मार्च से जो है वो CGL के एग्जाम है और उसके बाद में आपके CHSL के एग्जाम है. और उसके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्री के अंदर जो कि है दोस्तों आपके GK का सेक्शन और करंट अफेयर. तो हम हर सैटरडे संडे को कर ही रहे हैं. होपफुली है कि आप भी रिविजन कर रहे होंगे, आप भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे. सैटरडे संडे को मैं आपके लिए हमेशा स्पेशल वीडियोज लेके आ रहा हूँ SSC के लिए, तो आप वो तो देख रहे होंगे. लेकिन इस बार दोस्तों काफी बच्चों डिमांड थी कि सर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दो. तो आज मैं आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है 50 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पिछले साल यानी कि 2019 के अंदर जो आपके पेपर हुए ना, है ना, CGL और CHSL के अंदर जो है इंपॉर्टेंट GK के जो क्वेश्चंस है दोस्तों जो कि आपसे पूछे गए वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. 50 क्वेश्चन है यानी कि टाइम लगने वाला है. और होपफुली कि अगर आपने GK पढ़ी हुई है मेरे से तो आप मोर देन दोस्तों 60% के आसपास क्वेश्चंस हैं जो कि सही करोगे. और अगर आपके इतने नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको GK पढ़ने की जरूरत है भाई. या तो आप पुराने वाले वीडियोज देख के पढ़ लो या फिर जो भी आपके पास में प्लस का ऑप्शन है आप वहां से पढ़ लो. लेकिन पढ़ के जाना GK प्री के अंदर दोस्तों. आपके जो ये नंबर है ये आपके सिलेक्शन में बहुत काम देंगे. GK के क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगता है, आता है तो जल्दी से मार्क होता है और आपके बिल्कुल सही भी होते हैं. तो आपके पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि ये होती है, समझ रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दो गाइस ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके. उसके बाद में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड और कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे. और करंट हम कर ही रहे हैं क्योंकि इस बार दोस्तों अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करें तो यकीन मानिए आपके अगर 50 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 50 नंबर में से ये मान के चलिए 30 से 35 मार्क्स जो है ना वो आपको मतलब वो आपको करंट से देखने को मिलेगा. यानी कि अगर मैं CGL और CHSL दोनों एग्जाम की पैटर्न की बात करूं ना तो आपको 70% से तो दोस्तों 80% तो आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन. ठीक है, 80% तो नहीं लेके जा सकते आप, 60 से 70 कर लो आप इसको. 60 से 70% जो है आपको करंट देखने को मिलेगा और बाकी के जो 30 से 40% है उसके अंदर आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साथ में आपके जनरल साइंस हो गया इको के सवाल जो है वो आपके करंट से रिलेट होके आएंगे. तो वो वाला कोई मुद्दा नहीं है, वो तो आपका करंट हो जाएगा तो हो जाएगा. तो आपके ये यहाँ से आएंगे, समझ गए, 30 से 40% क्वेश्चन. तो लेकिन ये आते बड़े आसान है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है ज्योग्राफी पढ़ी हुई है अच्छी तरीके से तो आप इसको आसानी से पिक कर लोगे. ठीक है, चलिए ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दो पहले क्लास को ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके. उसके बाद में स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं कैसे कैसे सवाल है. अभी तक आपने SSC CGL CHSL की तैयारी नहीं करी है, अभी भी करना चाहते हो तो मेरा बैच स्टार्ट हुआ है CHSL का, जिसके अंदर जो लेवल है वो मैंने CGL का ही रखा हुआ है. हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषा में पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इको प्लस करंट अफेयर. जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है उनसे पूछिए कितना मजा आ रहा है पढ़ने में उनको, आप रिव्यू लिया करो यार, समझ रहे हो. CHSL की मात्र 3 क्लास हुई है अभी, 3 क्लासेस हुई है. तो ये वाले जो 3 क्लास है आप इसकी PDF और जो वीडियो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. और आपको अनअकैडमी पर रेफरल कोड कौन सा यूज करना है, BHUNESH बुनेश 10 यूज कर लीजिए, 10% ऑफ. और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी, जैसे कि इंग्लिश की, GS की, मैथ की, रीजनिंग की, प्री मेंस है ना, प्री की सारी क्लासेस, मेंस की, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल जाएगा, समझ गए. और बड़ी बात बताया क्या है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, SSC का 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं
जो कि आपके मात्र 500 रुपए पर मंथ में पड़ता है। इसमें आप CGL की तैयारी, CHSL, MTS, GD, CPO, JEE सारे एग्जाम का दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स भी मिलता है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, ठीक है। और सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, सारे के सारे स्टेनो भी इंक्लूड कर लो उसमें, स्टेनो सारे एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। रेफरल कोड बता दिया है, बुनेश10 यूज करोगे तो 10% ऑफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सोनू कुमार आज NTPC की बंद नहीं करी है भाई, आज छुट्टी है वैसे तो ऑफिस में, क्योंकि कल की छुट्टी थी नहीं तो आज की छुट्टी रखी हुई है, 15 जनवरी की वैसे ऑफ है दोस्तों, है ना ऑफिस का। लेकिन वही है कि जो बच्चे SSC के बच्चे हैं उनकी मेरी क्लासेस नहीं होती है, मेरी GK की क्लासेस, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं, अदरवाइज आज की छुट्टी है वैसे, कल की छुट्टी नहीं थी, कल सारी क्लासेस मिली है, तो आज वैसे ऑफिस का ऑफ है, तो आपको आज जो है दूसरी क्लासेस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। कुल मिला के रिवर जो है इंडिया की उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। आंसर करो भाई, आंसर क्या होगा? देखो बात क्या है, तला कावेरी जो है ना कर्नाटका में है, तला कावेरी वहां से तो क्या होती है इसकी शुरुआत होती है, सोर्स क्या है वो है ये वाला, समझ गए, कर्नाटका से स्टार्ट होती है, नियर बाय कोई 800 किलोमीटर की नदी है और तमिलनाडु के बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। यहाँ की इसकी लेफ्ट की बात करें तो HHS आपसे आप याद कर सकते हो, लेफ्ट से अगर मैं बात करूँ ना लेफ्ट से तो HHS यानी कि हेमावती हो गई एक, तो साथ में हीरांगी नाम की और एक शिमशा नाम की नदी है, तो ये तो इसके लेफ्ट की है। राइट की जो आपको याद करनी होती है वो होती है आपको याद करने वाली कौन कौन सी, एक तो काबिनी, एक है आपकी भवानी, एक है अमरावती, ठीक है। तो काबिनी भवानी और अमरावती के भी है, तो काबिनी भवानी अमरावती तो आपकी राइट बैंक हो गई, और लेफ्ट बैंक की मैंने आपको बता दिए, तो ये 6 नदियां हैं जो कि आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वैगाई जो है ना ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे काफी बच्चों का सही आंसर आया, वैसे बहुत अच्छी बात है गाइज, काफी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज्यादा मिल सके। सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना डैश द्वारा करी गई थी, सांख्य जल्दी बताइए किसके द्वारा करी गई थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने MTS की क्लास के अंदर ये वाला क्वेश्चन करवाया था आपके लिए। मैं आपको कई बार बोलता हूं कि अगर आप रेलवे की क्लास भी कर रहे हो ना मेरी वाली, तो आप CGL का भी एग्जाम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका लेवल काफी ऊपर कर दिया है मैंने। कपिल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय निवास का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों, आपने स्टेपीज का नाम सुना है। देखो स्थलीय क्या होते हैं, जैसे कि स्टेपीज होते हैं एशिया के अंदर, है ना, उसी प्रकार से पेरियार होते हैं, नाम सुने हुए ना ये सारे, ये क्या होते हैं ग्रासलैंड्स होते हैं, पेरियार होते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, है ना, उसी प्रकार से आपके पैंपस होते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर, है ना, सवाना होते हैं, वेल्ड होते हैं अफ्रीका में, ओके वेल्ड होता है अफ्रीका में, तो ये सब क्या है दोस्तों, ग्रासलैंड है, घास के स्थल है, जो कि क्या होता है स्थलीय निवास का उदाहरण होता है, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हाइपोकैलेमिया डैश की कमी के कारण होता है, हाइपोकैलेमिया के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए भाई, हाइपोकैलेमिया जो है ये किसकी कमी के कारण होता है, हाइपोकैलेमिया पहले होता क्या है दोस्तों, आपके क्या होता है ब्लड के अंदर जो है ना पोटेशियम का लेवल बहुत कम हो जाता है ना, तब क्या होता है हाइपोकैलेमिया हो जाता है। आपकी मसल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है वो आपके पोटेशियम करता है दोस्तों, तो किडनी जो है वो आपके कंट्रोल करती है पोटेशियम के लेवल को, और अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी से पोटेशियम को निकाल देती है। अगर आपके पोटेशियम कम हो जाता है दोस्तों, है ना, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी हो जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पोटेशियम आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, है ना, इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तब भी ऐसा हो जाता है।
ठीक है, अगला सवाल करें। क्वेश्चन बहुत सारे बताइए। एक और सवाल, नदी पर सलाल परियोजना का निर्माण किया गया था। आंसर बताओ भाई क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चेनाब के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, कई सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि आपके चेनाब नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आया दोस्तों, चेनाब में। और कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं गाइस, जल्दी से बताओ। बगलियार बन सकता है, दल हस्ती बन सकता है, पकुल डैम बन सकता है, सलल बन सकता है ना। तो ये सारे के सारे आपके पेपर में जो है वो बन सकते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात करें दल हस्ती हो गया है ना, सलल हो गया, पक्कल हो गया, ये सारे जो है आपके चेनाब के ऊपर ही है। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा ऋण उपलब्ध नहीं है, बताइए। तीन तरीके के लोन होते हैं, 50,000 रुपये मिलते हैं, 1,00,000 मिलते हैं और 10,00,000 रुपये मिलते हैं। एक तो है दोस्तों शिशु, एक है तरुण और एक है किशोर। तो आपका पुरुष जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, जल्दी से आंसर करो भाई क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दो। हाँ बिल्कुल सही बोला है यहाँ पे विकास ने, चिनाब के ऊपर याद करने के लिए, दुल्हन के बगल में सलाद खाया, तो दल हस्ती भी हो गया, बगलियार भी हो गया और सलाल भी हो गया, समझ गए। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है गंडक, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द आइडिया ऑफ द इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील के बारे में सुना है आपने, सुनील खिलनानी, तो सुनील आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन के बारे में आपको बताना है। और ये दोस्तों ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है, सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहां पर है भाई, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो है दोस्तों वो आपका कौन सा है, ये कहां पर है, ये है आपके पटियाला के अंदर, तो पटियाला आपका सही आंसर होगा। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बताइए। NEFT होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसी पेमेंट सर्विस। NEFT RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसी तरीके से IMPS की बात करें तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आपका सही आंसर होगा। ओटम थुलम एक पारंपरिक नृत्य के रूप में है जो किस राज्य में लोकप्रिय है, बताइए। ओटम थुलल की बात करें दोस्तों तो ये कहां पे, केरला के अंदर है, जो कि मनाया जाता है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, AIX जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये क्या होगा, ये IBM कंपनी का, समझ गए। IBM ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और गिनी करके जो कि अभी इसके CEO हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में, गिनी करके है जो कि अभी इसके CEO हैं। ठीक है, सलोनी सीमा भारत और डैश के बीच में एक प्रसिद्ध पारंगमन बिंदु है, सलोनी बॉर्डर जो हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे राज्य यूपी से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग तो क्या कर सकते हैं, उनको पता होगा गोरखपुर के पास में है दोस्तों सलोनी बॉर्डर, वहाँ से आप नेपाल में जाके आ सकते हैं, है ना। काफ़ी लोग वहाँ पे अप डाउन करते रहते हैं, नेपाल के बॉर्डर में घुसते ही छोटी छोटी सी बसें चलती हैं, वहाँ पर बैठ के काठमांडू चल जाओ। ओके, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊँचाई कितनी है, एक और बड़ा सिंपल सा सवाल, आंसर क्या हो जाएगा, 182 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राम सूत्र जी के द्वारा डिजाइन किया गया। इस बार आपसे ये पूछ सकते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा जो है ना
वो कहाँ पे बनाई जा रही है, बुद्ध की जो सेकंड टॉलेस्ट है ये कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये भी गुजरात में बनाने के लिए बोला गया था। ये सवाल इस बार एग्जाम में आ सकता है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अरे भाई हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ती है ठंड के टाइम पे, द्रास के अंदर माइनस में 10-20 डिग्री में द्रास में पहुंच जाता है। वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है, कोल्डेस्ट हैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड ऐसा भी लिखा हुआ है। कोल्डेस्ट इनफैक्ट इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जानी जाती है, कोल्डेस्ट हैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो यानी कि एक बार जो टेम्परेचर है ना वो साइबेरिया जो सर्बिया है वहां से भी ज्यादा कम पहुंच गया था, यहाँ पे सर्बिया से भी कम पहुंच गया था, तो उसके बाद में तो फिर इसको बोल दिया गया। निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा है? जल्दी से बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन जो थे ना फ्रैंकलिन, उनके द्वारा दोस्तों ये वर्ड है जो कि यूज किया गया था, बैटरी वर्ड। ओके चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का लेखक है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में आपको बताना है गाइज, और गाइज वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, जितने भी एसएससी के बच्चे हैं वो सारे देख ले भाई कैसे सवाल आते हैं, कैसी तैयारी करनी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जॉन स्टूअर्ट आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आपका सही आंसर है। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? एंजाइम के बारे में आपको बताना है, एंजाइम बताइए लाइपेज के बारे में। बॉडी के किस पार्ट के द्वारा चलिए बिल्कुल सही आंसर है, पैनक्रियाज आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? पैनक्रियाज यानी कि डी आपका यहां पे, आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पुस्तक गुलाम गिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी के बारे में बताइए दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी लिखी गई थी किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा राव फुले जी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1981 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों 1971 वॉर के टाइम पे भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पे थे जगजीवन राम, जगजीवन राम जो है उस टाइम पे दोस्तों कौन थे, जो कि अपने क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, बात को बारे में ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि 1965 के टाइम पे कौन थे, बताइए, लाल बहादुर शास्त्री 1965 के टाइम पे प्रधानमंत्री थे, राधा कृष्णन जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, चौधरी जी थे जेएन चौधरी जो कि चीफ थे अपने आर्मी के, और पाकिस्तान ने बहुत ही जल्दी जो है उस टाइम पे सरेंडर है जो कि कर दिया था। ठीक है, वाई बी चौहान थे दोस्तों, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़े, वाई बी चौहान। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला शहीद शासक था? शहीद डायनेस्टी के बारे में आपको बताना है दोस्तों, शहीद डायनेस्टी के बाद में कौन आया था? लोधी वंश था जो कि लास्ट था गुलाम वंश के उसके अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो किजर खान दोस्तों सबसे पहले आया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? लॉन्गेस्ट बाउंड्री चाइना के साथ में कौन करता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। मैकमोहन लाइन जिसको हम कहते हैं, मैकमोहन लाइन किसको कहते हैं भाई? हम कहते हैं जो कि अरुणाचल, देखो एलओसी है एक तो एलएसी है, एलओसी तो पाकिस्तान और इंडिया वाली है, एलओसी तो एलएसी तो अपनी लद्दाख वाली है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश वाली है ना उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, जो कि इंडिया चाइना, तो
इंडिया और चाइना के बीच में। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है जो कि चाइना के साथ में शेयर करता है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे डोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, जो आसाम को डैश से जोड़ता है। बताइए आसाम को किससे जोड़ता है? डिस्टेंस कम हो गया, हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा, जो दो घंटे में कवर करोगे अभी आधे घंटे में कर लोगे। अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? कल परसों ही ये मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर आपके प्लस के अंदर सीजीएल का जो बैच चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएं, क्योंकि अभी पॉलिटी चल रही है वहाँ पे सीजीएल में, और सीएचएसएल के अंदर जो है वहाँ पे चल रही है अभी ज्योग्राफी की 2-3 क्लासेस हुई है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सीएचएसएल का बैच। और अनअकैडमी के ऊपर रेफरल कोड जो है वो बुनेश 10 यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब। आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम कितनी चाहिए होती है भाई? 21 साल है जो कि आपको चाहिए होती है, 21 साल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है? जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का रूप क्या होता है? आंसर लिखा हुआ है आपके लिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। किस देश में अंतर सरकारी वजन और माप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो संगठन का मुख्यालय है? जल्दी से बताइए कहां पर है दोस्तों? इंटरनेशनल ब्यूरो वेज एंड मेजर का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये फ्रांस के अंदर है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन देखो लग तो रहा है कि आपका जीके का, लेकिन ये एक्चुअली में करंट का ही क्वेश्चन था, क्योंकि अपने केजी के डेफिनेशन में थोड़ा बदलाव हुआ था, इसीलिए ये न्यूज में था और इसीलिए फिर एग्जाम में आ गया, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया, समझ गए। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? अभी ये सवाल क्यों आया? क्योंकि 100 साल होने वाले थे अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, 1920 में स्टार्ट किया था, तो ये भी देखो था तो आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन रिलेट कैसे हुआ? करंट अफेयर्स है, इसलिए पूछा गया असहयोग आंदोलन के बारे में। इसका साल पूछने का मतलब ये था कि आपको पता है कि नहीं पता है कि 2020 के अंदर जो है वो इसको क्या होने वाले हैं, आपके 100 साल है जो कि इस मूवमेंट को होने वाले हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, समझ गए मेरी बात। तो ये मोटिव था, 13 अप्रैल 1919 के जो जलियांवाला बाग है ना, उसके बाद में जो है इसको लॉन्च किया गया था 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा, समझ गए मेरी बात। फुल इंडिपेंडेंस के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और इससे पहले क्या हुआ? जलियांवाला बाग का कांड हुआ, उससे पहले क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया था। तो ये तीन जो है ना ये बैक टू बैक हुए हैं, ये भी 1919 में हुआ है, ये भी 1919 में हुआ जलियांवाला बाग, ये 1920 में हुआ, समझ रहे हो। किसे 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए पेशुरस्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया? केसर ए हिंद सभी को मालूम है, गांधी जी को मिला था, जो कि इन्होंने लौटा भी दिया था बाद में। निम्नलिखित में से किसने 618 CE में हर्षवर्धन को हराया? बताइए हर्षवर्धन को साउथ इंडिया का हराने वाला रूलर कौन था, जिसने जो है हरा दिया था और बोला था कि भाई तू सिर्फ नर्मदा तक ही रहेगा, इसके नीचे नहीं आएगा? क्या आंसर था आपका? पुलकेशिन द्वितीय आपका बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जिसे मिस्र और सूडान को दक्षिण अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ होता है? बहुत ही सिंपल सवाल, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला, अरे भाई रेड सी नहीं है क्या, लाल सागर नहीं है क्या, अलग कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? एक और बहुत ही सिंपल सवाल, पड़ोसी मुल्क जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदीव, बहुत ही छोटा सा तो कंट्री है और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है, मेरे ख्याल से कोई 4 लाख के आसपास की, कोई 4 लाख के आसपास की पॉपुलेशन होगी मालदीव्स की, समझ रहे हो, तो बहुत कम पॉपुलेशन है। चलिए भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को अनुक्रमित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, अगर डीएनएस अलाउंसेज सेट करने होते हैं गवर्नमेंट को,
तो महंगाई पता करनी पड़ेगी। अरे भाई देखो, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, लॉजिक समझो यार, लॉजिक समझो थोड़ा सा। कल परसों करंट अफेयर में बताया मैंने, सुबह 8 बजे वाली में मैंने बताई ना कि महंगाई बढ़ गई है, तो बात समझो, महंगाई बढ़ेगी तो आपका जो TADA होता है ये सब भी तो बढ़ाते ही गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों की, जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, समझ रहे हो। तो ये महंगाई का कैसे पता करोगे, इन्फ्लेशन से पता करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। और मुद्रास्फीति जो कल परसों पढ़ रहे थे, अभी बढ़ के 7.5% हो गई है ना। और इसको मैंने क्या बोला था, CPI बोला था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको CSO डिपार्टमेंट है जो कि देखता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, CFI, आप CPI है जो कि आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल गया, CPI, समझ रहे हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो आंसर आसानी से निकलेगा, चाहे आपका पढ़ावा है या नहीं है। सुबह 8 बजे वाले करंट अफेयर देख रहे हो, दुनिया के हर मुद्दे से जुड़े हुए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कौन सा है भाई, आंसर करो क्या होगा। अरे भाई झारिया कहां पर है, झारखंड के अंदर है ना, झारिया धनबाद के जो है नेबर है धनबाद का, झारखंड में ये सबसे बड़ा कोल फील्ड है अपना। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसने बनवाया था, कोणार्क के बारे में बताइए भाई, कोणार्क सन टेम्पल के बनवाया था दोस्तों नरसिम्हा देवा प्रथम ने, नरसिम्हा देवा प्रथम आपका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है, महाराष्ट्र में कौन सी गुफा है, सभी को मालूम है ना, अलोरा ही तो है, बॉम्बे से फेरी लेके जाते हो घूमने, अलोरा की गुफा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत में शरवती नदी का उच्चतम जल प्रवाह है, शरवती नदी का हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जल्दी से बताइए, महात्मा गांधी के नाम पे भी है जोग फॉल जिसको हम कहते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ज्वाइंट सिटिंग अगर बैठेगी, जो कि आज तक 3 बार ही ज्वाइंट सिटिंग हुई है दोस्तों, है ना, तो कौन देखता है उसको, स्पीकर है जो कि देखता है, अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो कौन देखेगा भाई, आपका देखेगा डिप्टी, हाँ डिप्टी जो चेयरपर्सन होता है, अगर डिप्टी चेयर, अगर कल को स्पीकर भाई साहब बीमार है तो कौन देखेगा, डिप्टी चेयरपर्सन देखेगा, समझ गए मेरी बात। चलो, 1991 में विजय भाटकर द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, बताओ भाई, विजय भाटकर के द्वारा बनाया गया, अरे भाई परम नहीं था क्या, परम 8000 का नाम नहीं सुना क्या, परम ही तो था। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मैन मेड लेक भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो भाई, गोविंद वल्लभ पंत सागर का नाम सुना है, रिहैंद डैम के ऊपर है ना, तो ये सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, आपकी मैनमेड है, ठीक है। अगला सवाल आपका, रिहैंद डैम आपको मालूम ही है, लोकेशन कहां पर है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये तो बच्चे बच्चे को बताइए आंसर, तो केम्फू लैम्सो नेशनल पार्क है मणिपुर के अंदर, ठीक है। चलो, लॉकटक लेक भी यहीं पर ही है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था, नंद वंश के टाइम पे किया था, और कौन सा टाइम पीरियड था भाई, वो टाइम पीरियड कौन सा था, टाइम पीरियड था आपका 326 BC, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, धर्मपाल के द्वारा करी गई थी, बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ भी दी गई थी। वारली आर्ट की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई, वारली आर्ट, आर्ट के बारे में आपको बताना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो कहाँ से हुई थी, वो हुई थी आपके महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से जो है इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भोपाल का वर्तमान शहर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था, प्रतिहार शासकों द्वारा, भोपाल किसके द्वारा, भोपाल बनाया गया मिहिर भोज के द्वारा, भोज से भोपाल जो है नाम पड़ा है, लॉजिक लगा लो यार, मिहिर भोज, ठीक है। दो ऑप्शन तो कट गए इसमें और इसमें से आंसर निकलता। चित्रकला की पटचित्रा शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है,
पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग दोस्तों, कहाँ की है ये? ये है आपके उड़ीसा की दोस्तों, ठीक है, उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952, तो आपका डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सेशन, और अगर आप दोस्तों CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो CHSL का मेरा बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है, मात्र 2 या 3 क्लास हुई है, जो क्लास निकल गई है वो आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको PDF भी मिल जाएगी इसकी अपडेट वाले सेक्शन में, तो आप अपना बैच ज्वाइन करिए। CHSL अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको CGL की भी तैयारी हो जाएगी, 2 महीने के अंदर आप 2 बार कोर्स है जो कि रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप CGL की क्लास में भी पढ़ सकते हैं, CHSL में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का भी बैच आएगा मेरा इसके साथ में आपके लिए फ्री में, मेरे साथ आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, GK सारी क्लासेस मिल जाएगी। रेफरल कोड आपको अनअकैडमी पे यूज करना है, BHU NESH BHUNESH10 आपको यूज करना है। और आप CGL की बात करें, देखो गाइस फायदा मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन जो कि आपको मात्र ₹500 पर मंथ में पड़ रहा है, इसमें भी 10% ऑफ मिल जाएगा, अगर आप रेफरल कोड जो है BHUNESH10 है जो कि यूज कर रहे हैं, तो आप 1 साल के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएगी, CGL हो चाहे CHSL हो चाहे MTS GD CPO स्टेनो JE, सारी क्लासेस की जो है आप SSC की ज्वाइन कर सकते हैं, सबका आपको कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, साथ में आपको सबकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और आप मोर देन 50 एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर वाईफाई स्टडी के भी सारी एजुकेटर की क्लासेस आपको मिल जाएगी। अभी ₹500 में क्या बच्चे की जान लोगे क्या, बताओ यार, और क्या क्या चाहिए आपको, अनअकैडमी करना क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, फिर उसके बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, जैसे कि SSC आपका गोल है, फिर आपको प्लस में जाके गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा 1 महीना 3 महीना 6 महीने 12 महीने। देखो अगर आप सच में एग्जाम निकालना चाहते हो ना SSC का, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि डेडिकेटेडली आपको और हमको साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, हर 3 क्लास के बाद में 1 क्लास जो है वो आपकी डाउट की भी होती है, हर सैटरडे को आपका टेस्ट भी होता है, समझ रहे हो, और आपको मात्र ₹500 पर मंथ है जो कि आपको पे करने पड़ेंगे, और रेफरल कोड लगा दोगे BHUNESH BHUNESH10 तो आपको यहाँ पे 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सारे करंट अफेयर के सेशन, ओके। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।